जी जी त्रिपाठी त्रिपाठी जी नमस्कार, मैं आनंद कमलेश त्रिपाठी बोल रहा हूँ, बिंदास भोजपुरिया मुंबई से। आप निर्माता हैं, नई फिल्म आ रही है संकट मोचन हनुमान के, क्या सही कह रहा हूँ मैं? जी 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 बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। धीरेन्द्र त्रिपाठी जी, मुझे ये बताइए, आप इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं हैं। मुझे ये बताया गया है, आपके डायरेक्टर साहब ने मुझे बताया है कि आप इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं हैं, हिंदुस्तान के बाहर हैं। आप मुझे अपनी लोकेशन बता सकते हैं? इस वक्त आप मेरे से किस देश से बातचीत कर रहे हैं सर? जी बिल्कुल, मैं बता सकता हूँ, मैं इसमें बहरीन में हूँ। बहरीन जो है आपने सुना होगा, ये एक छोटा सा देश है, दुबई और सऊदीया के बीच में पड़ता है। जी तो मैं पिछले करीब 15 दिनों से इधर ही हूँ। अब बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फिल्म के सिलसिले में मैं कुछ जानना चाहता हूँ, संकट मोचन हनुमान के सिलसिले में जानना चाहता हूँ त्रिपाठी जी। लेकिन इससे पहले आप अपने बारे में बताइए कि क्या इससे पहले आपने कोई फिल्म बनाई है किसी भी भाषा के अंदर, हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, मराठी, किसी फिल्म में आपने बनाई है या ये फिर आपकी पहली फिल्म है? हाँ, फिल्में तो हमने बनाई हैं और अपनी ही भाषा में बनाई हैं, कुछ हिंदी में फिल्में बनाई हैं, कुछ भोजपुरी में भी बनाई है। मैं नाम अभी नहीं डिस्क्लोज करना चाह रहा हूँ इसी वजह से जी, क्योंकि उसके पीछे कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये हमारी पहली फिल्म नहीं है, एक्चुअली ये है हमारी मुझे लगता है 6 या 7वें नंबर की फिल्म है। अच्छा, इस फिल्म से मुझे थोड़ा उम्मीदें ज्यादा हैं। अच्छा, कोई खास वजह? तो खास वजह चंदन उपाध्याय, अच्छा खास वजह कल्लू भैया, ओके, छोटे भाई हैं दोनों लोग जी, तो ये एक वजह है। बाकी तो काम चंदन जी अपना कर रहे हैं, मैं बाहर हूँ अभी, मेरी उनसे शायद कल ही बात हुई थी विषय में जो है जी। त्रिपाठी जी, मुझे 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 ये जानना है कि आपने इससे पहले अगर भोजपुरी फिल्में भी बनाई हैं, आप नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, लेकिन किस कलाकार के साथ आपने बनाई हैं ये क्या आप हमें बता सकते हैं कि भाई कम से कम आपने जो 5-6 फिल्में की हैं वो किसके साथ की हैं, क्या कोई नोटेड आर्टिस्ट था उनमें? नोटेड आर्टिस्ट थे उसमें जो है, थे नहीं है, और छोटे भाई आप अगर अभी जो है ना ही पूछते तो अच्छा था उस विषय में, हालांकि आपका विषय है पूछना लेकिन मैं किसी वजह से ठीक है। चिंटू के साथ अभी हमने इसके पहले दिल सच्चा चेहरा झूठा, जिसमें ऑफिशियल आदर्श जैन जी थे जो है, और हम लोग सब साथ में जुड़े हुए थे, और आदित्य मोहन के साथ काम कर चुके हैं, आदित्य मोहन दुबे जी, राकेश मिश्रा भी के साथ भी काम कर चुके हैं, और एक दो लोगों का नाम मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा मुझे एग्जैक्ट अभी इतना उसमें था, मतलब ट्रेवल में हूँ तो याद नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, क्या नाम है इनका, एक बहुत पहले की बात है, उनका नाम मैं सॉरी मैं बुरा नहीं याद आ रहा है नाम जो है, बट है अपने मतलब बहुत बड़े आर्टिस्ट आपके जो है, ये अपने चिंटू जी हैं जो है, जिनके साथ अभी हमने दिल सच्चा चेहरा झूठा किया था, और फिल्म हमें अभी हमारी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, उसमें कुछ गाने वगैरह रह गए हैं, तो वो भी बहुत जल्दी ही कम्प्लीट हो रहा है। धीरेन्द्र त्रिपाठी जी, भोजपुरी फिल्में बनाने के पीछे आप एक बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं संकट मोचन हनुमान, कुछ आपका मकसद क्या होता है ये फिल्में जो आप बना रहे हैं, आपका मकसद क्या है, आप सिनेमा में किस मकसद से आए हैं, पैसे कमाने के लिए आप आए हैं, इसे विशुद्ध रूप से बिजनेस समझते हैं, व्यापार समझते हैं इसलिए आए हैं, या फिर आपका अपना भी कोई पैशन है कि भाई मेरे को सिनेमा के लिए कुछ करना है, कोई लगाव निजी तौर पर है, बताएं। देखिए, सिनेमा के लिए तो अगर मैं बोलता हूँ तो मैं झूठ बोलूंगा कि मैं सिनेमा के लिए बहुत कुछ करने के लिए लगा हूँ। हाँ, हर बिजनेस के पीछे कुछ ना कुछ सोशल एथिक्स, सोशल एक्टिविटीज होती हैं, तो मेरे भी काम के पीछे सोशल एक्टिविटीज या सोशल एथिक्स है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से सोशल, एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ और पांडित्य कर्म रहा है मेरा जी, तो मैं
ऐसा मान के चलता हूँ, ऐसा है भी कि जो है बिजनेस के साथ साथ अगर सोशल सोच हो तो अच्छी बात है, जो कि है, मेरा भी है। हाँ, लेकिन मेरा अगर सच अगर पूछेंगे पर्टिकुलर कि मैं फ्रंट लाइन पे क्या सोचता हूँ, तो मैं बिजनेस सोचता हूँ, उसके साथ सोशल चीजें चलती हैं। जैसे ऐसे लोगों के साथ जुड़ता हूँ, क्योंकि सिनेमा में अगर पैसे लगा देने से सिनेमा तो बन नहीं जाता है। बिल्कुल, सिनेमा बनाने के लिए आर्टिस्ट होती है, एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत होती है, एक अच्छी टीम की जरूरत होती है। तो जब हमारी एक अच्छी टीम काम करती है तो वहाँ पे मुझे लगता है कि बाकी के सारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। जैसे कि आप मतलब मेरी भाषा तो भोजपुरी देखा जाए तो नहीं है, मैं भोजपुरी भाषी नहीं हूँ, मैं अवधी भाषी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अवधी और भोजपुरी में बहुत ज्यादा काफी चीजें सिमिलर होती हैं। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी हमारी भाषा है, तो भाषा से तो प्रेम है ही हमें, खैर है ना। तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ चलती हैं, जो है। तो मेरी सोच जो है बिजनेस की है, लेकिन बिजनेस के साथ साथ सारी सोशल एक्टिविटीज भी इसके साथ चल रही हैं, और वो सोच भी है मेरी। बिल्कुल, आप धीरेंद्र त्रिपाठी जी, जब मैं एक बार फिर से बात कर लेता हूँ आपकी नई फिल्म संकट मोचन हनुमान की, जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुई है रामनवमी वाले दिन, और चंदन उपाध्याय इसके डायरेक्टर हैं, अरविंद अकेला कल्लू जी इस फिल्म में हीरो होंगे, क्या आपकी इस फिल्म को लेकर हीरोइन की कोई एक्ट्रेस जो है इसमें मुख्य अभिनेत्री जो होंगी, क्या उनको लेकर कोई सोच है कि भाई इस फिल्म में यही अभिनेत्री आपकी होनी चाहिए, क्या इस तरह की कोई आपकी धारणा है? देखिए, मैं क्षमा चाहूंगा, एक्चुअली मैं जो है प्रोड्यूसर हूँ, तो कास्टिंग काम तो मेरा है नहीं, कास्टिंग तो डायरेक्टर करेंगे या कास्टिंग डायरेक्टर होंगे, उनको जैसा लगेगा अपनी फिल्म के सब्जेक्ट के हिसाब से वो लोग करेंगे, क्योंकि मेरा उसमें कोई इंटरफियर नहीं है। ये बात चंदन जी को भी पता है, इसके पहले मैं जिसके भी साथ काम कर चुका हूँ, जो भी लोग हमारे साथ काम कर चुके हैं, उनको भी पता है कि मैं फिल्म के सब्जेक्ट से कोई इंटरफियर सब्जेक्ट में कोई इंटरफियर नहीं करता हूँ। उन्हें किसको वो ठीक समझते हैं या किसको ले चुके हैं, उस बात को भी मैं बहुत डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहता हूँ, या किसी को लेना चाहते हैं तो ये मेरा विषय है नहीं एक्चुअली, जो है हीरोइन का कि हीरोइन किसको लेंगे। जैसे कल्लू जी को साइन करने के लिए जब बात हुई तो मुझे लगा, हमने कहा कि कल्लू जी ही क्यों, हालांकि हम लोग सब एक दूसरे को पहले से जानते थे, तो ये हुआ कि ऐसा जब जो भी सब्जेक्ट है फिल्म का उस पर जब डिस्कशन हुआ, स्क्रिप्ट पे डिस्कशन हुआ, कहानी पे डिस्कशन हुआ, तो हमें लगा ठीक है कल्लू जी फिट है एकदम से, फर्स्ट क्लास है। तो अगला जो भी आपने जैसा पूछा हीरोइन के बारे में, तो वो डायरेक्टर ही आपको सही जवाब दे पाएंगे। धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, क्या आपको ये बताया गया है कि भाई फिल्म जो है जो आप बनाने वाले हैं धीरेंद्र त्रिपाठी जी, इस फिल्म में आपके कितने पैसे लगने वाले हैं, क्या बजट के बारे में आपको बताया गया है? क्योंकि जिस तरह से चंदन पिछली लगातार फिल्में कर रहे हैं, सारी फिल्में जो हैं वो बड़े बजट की फिल्में होती हैं, तो क्या आपको बताया गया है कि भाई इतने पैसे आपके धीरेंद्र त्रिपाठी जी लगने वाले हैं, या आपने कोई तैयारी की हो 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ कुछ लगाने की? आप इस बारे में कुछ बताइए हमें। सर, मैं बिजनेस में हूँ, मैं यहाँ भी बिजनेस के ही पर्पस से आया हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि आप इतने में फिल्म बनाइए या एक लिमिटेड या अनलिमिटेड, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। बस चंदन की वर्किंग को मैं जानता हूँ, अभी से नहीं बहुत पहले से जानता हूँ, मुझे चंदन पे बहुत भरोसा है, उनके काम पे बहुत भरोसा है, उनकी क्रिएटिविटी पे बहुत भरोसा है, इवन पर्सनली चंदन पे बहुत भरोसा है जी। तो मैंने एक ही बात सिर्फ कही जो है, उन्होंने मुझसे कहा कि हम फिल्म बनाएंगे, एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए सर क्रिएशन कई बार जो है सोच से थोड़ा सा बाहर भी जाना पड़ता है। मैं बोला बिल्कुल सही बोले हो, आप फिल्म बनाइए, फिल्म के लिए जो भी आवश्यक चीजें हों, जरूरी चीजें हों, वो आप पूरा करिएगा, बाकी जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। तो बजट जो है कुछ तो उन्होंने डिसाइड कर रखा है, मेरे से डिस्कशन करके ही डिसाइड कर रखा है, बट हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो बजट हमारा जो है आगे चल के आगे बढ़ सकता है। क्या बजट डिसाइडेड है उसके धीरेंद्र त्रिपाठी जी, क्या बजट डिसाइडेड है? बजट अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बजट जो है मैं इंडिया पहुंचूंगा तो शायद डिस्कशन कर सर डिस्क्लोज कर सकता। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि भाई आगे आपके क्या प्लान्स हैं, आप
संकट मोचन हनुमान अरविंद अकेला कल्लू के साथ कर रहे हैं, आपने प्रदीप पांडे चिंटू के साथ फिल्म की है, आपने कुछ और एक्टर्स के नाम बताए उनके साथ भी आपने कुछ फिल्में की हैं, आने वाले समय में क्या बाकी जो सुपरस्टार्स हैं क्या उनके साथ भी आप फिल्म कर सकते हैं? मैं पवन सिंह की बात कर सकता हूं, मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात कर रहा हूं, मैं खेसारी लाल यादव की बात कर रहा हूं, क्या इन लोगों के साथ भी फिल्म करने के लिए आप ओपन हैं त्रिपाठी जी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं मेंटली फिजिकली इकोनॉमिकली हर तरीके से बिल्कुल रेडी हूँ और करेंगे भी, बट स्टेप टू स्टेप जो है अभी फिलहाल हम जो है इस फिल्म को कंप्लीट करेंगे, फिर किसके साथ करना है, कौन सी फिल्म करना है वो भी डिसाइड करेंगे, बट करेंगे, जरूर करेंगे, सबके साथ काम करेंगे, क्यों नहीं। अरविंद अकेला कल्लू या चंदन उपाध्याय की आपने कोई फिल्म देखी है? बिल्कुल देखी है, चंदन की फिल्म जब डबिंग हो रही थी ये हर हर गंगे, तो संयोग की वहां पे मेरी कुछ फिल्मों का डबिंग और चल रहा था, तो मुझे बताया चंदन ने कि जो है यहीं पे अपने हर हर गंगे भी हो रही है, तो हम लोग ने कहा चलो चलो देखते हैं। मैं मुंबई पहुंचा था, ये बात है मुझे लगता है फरवरी की बात है, जनवरी या फरवरी की बात है जी, चलो 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 लोग तो गए हम लोग वहाँ पे, तो मैंने देखा, मतलब मैं रियली बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सिनेमा से थोड़ा अटैच हूँ बचपन से, मुझे अच्छा लगता है, अच्छा मतलब अच्छा काम है तभी अच्छा लगता है जी। मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री में अभी तक, मैं अपनी फिल्म की भी बात जो है जो इससे पहले हमने बनाई है फिल्में, उनके डायरेक्टर लोग नाराज नहीं हो, पूरा नहीं मानेंगे, बहुत ही जबरदस्त फिल्म बनाई है अगर गंगे, मतलब उस फिल्म के गाने, फिल्म का कुछ सीन्स मैंने रिपीट करा करा के देखा और मजा आया मुझे। और कल्लू की तो बात ही मत पूछिए, उनका तो मैंने बचपन से उनके गाने सुने, उनकी एक्टिंग देखी है, भाई है हमारे, छोटे भाई है, तो दोनों लोग मुझे लगता है कि जो जोड़ी है ना वो बहुत ही अच्छी जोड़ी है, बहुत अच्छी जाएगी, अच्छा काम करेंगे, ये फिल्म भी बहुत अच्छी बनेगी हमारी। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ और आपकी फिल्म के साथ हैं। धीरेंद्र त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, आप बढ़िया फिल्म बनाइए संकट मोचन हनुमान, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, थैंक यू सो मच सर बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू।